हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू versaskitchen.com। आज हम बनाएंगे आटे के बहुत ही हेल्दी मालपुआ, तो आप इसे होली पे ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस हेल्दी मालपुआ को बनाना। होली स्पेशल आटे का मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी गेहूँ का आटा, और जिस कटोरी से हमने ये आटा नापा है उसकी एक चौथाई कटोरी हमने पिसी हुई चीनी ले ली है। आटे के मालपुआ का फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमें चाहिए एक चम्मच सौंफ, और इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मैंने लिया है पिस्ता, इसको मैंने बारीक काट लिया है। मालपुआ का बैटर बनाने के लिए एक गिलास दूध और एक गिलास लिया है पानी, और हम पहले दूध से इसका बैटर बनाएंगे। अगर हमें दूध कम पड़ता है तो उसके बाद ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं एक बाउल, तो उसमें हम ये गेहूं का आटा इसको डाल देंगे, पिसी हुई चीनी इसको भी इसमें डाल देते हैं। चीनी और आटा इसमें जा चुका है, तो जो हमने सौंफ ली थी सौंफ भी इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमें ज़्यादा गाढ़ा तैयार नहीं करना है, हमें थोड़ा पतला ही बैटर तैयार करना है। दूध से देखिए हमने बैटर को इस तरह से बना लिया है और ये काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें अब हम डालेंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर से देखिए बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है और ये देखिए इस तरह का है, तो इसमें मैं 2 चम्मच करीब तेल डाल लूँगी, जिससे हमारे मालपुए अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। और इसे भी मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए बैटर हमारा बनके बिल्कुल रेडी है और तेल भी हमारा अच्छे से गर्म है, तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। और देखिए इस तरह से हम इसमें मालपुआ छोड़ते जाएंगे, तो मैंने ये एक चम्मच लिया है बड़ा, तो इसमें हम 1 चम्मच भरेंगे और देखिए इस तरह से डाल देंगे। बैटर को हम बीच में ही डालेंगे, जिससे हमारा जो मालपुआ है एकदम इक्वल बनेगा। एक और डाल देते हैं, और मालपुआ को मैं एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेकने देती हूँ। मालपुआ देखिए एक साइड से हमारा सेक गया है, तो इसे हम बड़ी सावधानी से पलट देते हैं इस तरह से, और दूसरी साइड से भी इसको हम अच्छे से सेकने देते हैं। देखिए मालपुआ अच्छे से सेक गया है, तो मैं उस पर देखिए इस तरह से झारा रख लूँगी, और जो मैंने ये मालपुआ बना के तैयार रखा है तो इसको इस तरह से रख लेते हैं, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही चला जाएगा। मालपुआ देखिए हमारा अच्छे से सिक गया है और मैंने इसे झारे पर रख लिया था, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया है, तो अब इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। मालपुआ देखिए सिक गया है, प्लेट में भी निकाल लिया, बाकी के मालपुआ भी हम इसी तरह से बना लेंगे। आटे के मालपुआ बनके हमारे तैयार है, बहुत ही टेस्टी मालपुआ बने हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।